अब की बार मैं बिस्किट अंकल को दे दूंगी। ये यहाँ बैठो, ये बिस्किट मैं अंकल को दे दूंगी। सुनते नहीं हो बिल्कुल भी हैं? मैं अंकल को दे दूंगी बिस्किट। अब नहीं बैठे ना आराम से तुम, तो मैं ये बिस्किट अंकल को दे दूंगी। अरे आंटी देना है तो दो, तुम्हारे चक्कर में दो स्टॉप आगे आ गया मैं। ड्रामा लगा रखा है, नहीं चाहिए तुम्हारा बिस्किट। बोला एकदम से इतना वायलेंट कैसे हो गया? पता नहीं यार, भगवान जाने कौन सी माता आ गई दारू पी के उस पे। माता से याद आया, तू क्लब के बाहर आईआईटी वाली लड़की से क्या बात कर रहा था? वो नया फोन लिया है क्या? क्या बात है, फुल पैसे आ रहे हैं लड़के के पास। मेरे दोस्त ने ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अच्छा, जिसमें अच्छा। वो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड बेट्स को एनालाइज करके, और डेली रिलायबल प्रेडिक्शन भी शेयर करते हैं अपने अच्छा। चैनल पे, जिसकी हेल्प से आप तब तक पैसे कमा सकते हो जब तक आप खुद से बेट्स ना लगा सको। अच्छा, मैं खुद इन प्रेडिक्शन की हेल्प से अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। उसी से लिया गया फोन। कर रहे हो क्या पढ़े इससे? ये नई नई एमटेक करी हुई लड़कियों को हमें पढ़ाने के लिए भेज रखा है। इनएक्सपीरियंस्ड, जितनी इसकी उम्र है ना इतना तो एक्सपीरियंस होता है आईआईटी के प्रोफेसर्स को। अरे इसके खातर तो तुझी सी 10 कुर्बान है, पापा का एजुकेशन लोन वसूल हो जाएगा। क्या बोले जा रहे? अरे एक बार शिद्दत पे देख तो सही। हो मुझको जो तू यू मिल गया, मेरा सब कुछ बदल गया। तेरी आंखों में ही अब सारी दुनिया देखूं मैं। ये कैसा प्यार है भला, कोई नाम ना मिला। सपनों की ये है दुनिया, कब तक सारा भटकू मैं। नजरों की तू ही तो है मंजिल, इन सांसों में हो गई तू शामिल। मैं बेखबर था इस दिल लगी से, तेरी अदाओं ने मारा मेरा रहा ना। अब मुझ में कुछ भी तेरा ही हो गया सारा। दिल हारा मैं तो गया तुझ पे मारा, मनहूस सा ये मंदिर भी लागे अब मुझको प्यारा। गलती से हो गया, पर मैं खड़ा नहीं हो सकता मैडम। आदित्य चौधरी स्टैंड अप। समझा करो मैम, खड़ा नहीं हो सकता मैं। I said stand up. बेंचो तने आज मेरी बेइज्जती करा दी मैडम के आगे, ठीक ना करा तने हो? मैंने बेइज्जती कराई? बेंचो हर नई लड़की को देख के तो उसका कैथोड चार्ज हो जाता है, कभी रितु कभी मैडम कभी लौड़ा कभी लसन। मैंने बेइज्जती कराई तेरी? अरे छोड़ो ना यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों लड़ रहे हो छोटी छोटी बातों में? अबे इसको बोल, यो हो रहा ज्यादा ब्रूस ली, इसकी हार्मोन ले रहा है ज्यादा उबाल। परसों उस आईटी वाली छोरी के चक्कर में जबरदस्ती सीनियर से भिड़ गया। हाँ हाँ, ये बारबी उससे अकेले में कुछ बात कर रहा था। बारबी अकेले में? एक सेकेंड राजू, उसे सेट करने की तो नहीं सोच रहा बेटे? चल बे, सबको अपनी तरह ठरकी समझा गया? अगर करना चाह रहा है तो कर भी सकता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अबे ओ घने ऑप्टिमिस्टिक आदमी, क्या अच्छे के लिए होगा? सेकंड ईयर के सीनियर की बंदी है वो,
और उस दिन तेरे पड़े नहीं ना, इसलिए तेरे को ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है इसमें। शिवम तू इसकी मत सुन, अगर तुझे पसंद है तो मुझे बता, जो होगा अच्छे के लिए इसको होगा। बता दो, ये हो रहा बहुत बड़ा बदमाश, सड़ा सस्ता राजपाल यादव। अबे और रोहतक के रंडबे, अगर साथ नहीं दे सकता तो उसे फालतू का डिमोटिवेट भी मत कर भाई, अगर है तो तू हाँ बोल, जो होगा अच्छे के लिए होगा। गांड भी अच्छी तरह टूटेगी फिर, मिनियन सी शक्ल के, सीनियर की बंदी है वो भी IIT से है भाई, तू इसका वहम दूर कर, इसे ना बोल भाई, तू हाँ बोल भाई, तू ना बोल, हाँ बोल भाई, ना बोल, हाँ बोल, अरे तू ना बोल, हाँ बोल, चुप, फोसड़ी वालो। हाँ मुझे सेकंड ईयर के सीनियर की बंदी पसंद है जो IIT में, तो गान पटक के नाचू? अबे दिमाग खराब हो रखा है यार, इतने दिन से कॉलेज जा रहा हूँ, हर जगह दिखती है, पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, और एक भोसड़ी वाला बैंड ग्रुप पता नहीं कहाँ।